हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। तो आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्टकट सा तरीका लेके आई हूं अपनी स्किन को अंदर से निखारने के लिए। देखिए, बहुत बार मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं कि बालों के लिए आंवला और स्किन के लिए हल्दी से बेहतरीन और कोई चीज हो ही नहीं सकती। अगर आप रेगुलरली खाली बालों के लिए आंवला का इस्तेमाल करते हो तो आपको मतलब कोई और चीज, कोई और प्रोडक्ट, कुछ भी यूज करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। मैं आपको पहले भी बहुत बार आंवला से रेमेडीज बना करके दिखा चुकी हूँ, सिंपल से सिंपल तरीके आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से आपने यूज करना है। मैं हमेशा रेगुलरली आंवला का ही इस्तेमाल करती हूँ और उसी का नतीजा है कि आपको ये जो मेरे बाल दिखाई देते हैं ना, कि काफी बहुत ही, एक तो शाइन बहुत करते हैं, दूसरा झड़ते नहीं है, रेगुलरली बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये आंवला का ही कमाल है। सेकेंडली, स्किन के लिए भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि हल्दी जो है ना, सबसे बेहतरीन चीज होती है अंदर से। अगर आप अपनी स्किन को निखारना चाहते हो, देखिए चेहरे का कलर चाहे से कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता। आपकी स्किन एकदम क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। फिर देखिए मतलब आप किस तरह से आपकी जो ग्लो करती हुई स्किन ना, कितनी खूबसूरत नजर आती है। तो देखिए हल्दी को कैसे यूज करना है। देखिए हम क्या करते हैं ना, कि बाहर से कोई भी पैक लगाते चलते हैं, रेगुलरली लगा रहे हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि देखिए ये तो काम ही नहीं कर रहा है। जब तक हम अंदर से, मतलब आप अगर खाने में किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करोगे, जो पोषण आपको अंदर से आपकी स्किन के अंदर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तब तक भाई कोई रेमेडी आपके जो है ना काम करने वाली नहीं है। देखिए हल्दी का बहुत ही सिंपल जैसा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको बहुत कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हल्दी देखिए, आप पहले तो कोशिश कीजिएगा कि आपके पास ऑर्गेनिक हल्दी हो, कस्तूरी हल्दी आप अपने पास रख सकते हो क्योंकि बहुत काम की चीज है। तो और अगर आपके पास कहीं, अगर आप गांव के एरिया से हो, आपके पास फ्रेश वाली हल्दी है, कच्ची हल्दी जिसे बोलते हैं, तो तब तो और भी अच्छी चीज है। तो जिस भी तरह से आपके पास घर में अवेलेबल है उस तरीके से आप ले, अगर नहीं भी है तो भी टेंशन मत लीजिए। जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, इतने दिनों से खा रहे हैं भाई, कुछ हुआ आज तक? नहीं हुआ ना। तो जो मैं आपको बात यहाँ पे आज बताने वाली हूँ, ना सिर्फ हम पैक ही यूज करेंगे, इवन हम हल्दी का यूज खाने में भी करेंगे। कैसे करना है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं हो सकता। आप बेशक कितने मर्जी पैक लगा लीजिए अपने चेहरे पर, लेकिन जब तक आप अपने खाने, खान पान में इम्प्रूवमेंट नहीं लाओगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया। तो देखिए, खाने में इम्प्रूवमेंट आपको जरूर से जरूर लानी है। पहले तो मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि हरी सब्जियां, ये फल फ्रूट्स, देखिए बोलते तो सभी हैं, लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है ना आज की डेट में, बिजी शेड्यूल जो है ना, वहां पे हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, भूल चुक हो ही जाती है। तो चलिए अभी बहुत ज्यादा बातें ना करते और मैं आपको बहुत सिंपल जैसा ड्रिंक यहाँ पे बताऊंगी। देखिए, अगर आपके स्किन पे कोई भी दाग धब्बा है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, पिंपल्स बार बार हो रहे हैं, तो हल्दी आपके एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक का काम करती है, आपके पिंपल्स को खत्म कर देती है, दाग धब्बों को, सबको। और देखिए, बहुत बुजुर्गों से आप सुनते आ रहे होंगे कि जब भी कोई नई दुल्हन होती है ना, उसको हल्दी का इसीलिए शगुन करते हैं भाई, ताकि वो बिल्कुल मतलब सबसे अलग दिखे और चमकती हुई दिखे, ताकि पता चल जाए कि अच्छा ये है भाई दुल्हन। और दुल्हन का तो अपनी शादी में भाई सबसे सुंदर दिखने का तो हक होता है। तो अगर आप भी इसी तरह से दुल्हन की तरह हमेशा ही चमकते हुए नजर आना चाहिए, तो ये छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। दो तीन दिन, लगभग एक हफ्ते के लिए यूज करके देखिएगा, फिर देखिए आपको खुद ब खुद अपनी स्किन में डिफरेंस नजर आएगा। मेरी बातों में भी देखिए आने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम यूज करेंगे हल्दी को खाने में। खाने में कैसे यूज करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे लिया है दूध। अगर आप दूध ही लेते हो ना, सबसे दी बेस्ट चीज है, क्योंकि ये जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। कैल्शियम आयरन की अगर कमी आपकी बॉडी में हो जाती है, तो ही हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। देखिए मेरे दो बच्चे हैं, अभी आप अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन कोई दाग धब्बा, कोई पिगमेंटेशन आपको दिखता है मेरी स्किन पे? नहीं दिखता ना। तो मैं रेगुलरली, मतलब ऐसा नहीं कि खाली लेप ही लगाती हूँ, मैं अपने खान पान का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। तो दूध हर लेडीज को पीना ही चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप डिलीवरी के बाद, बॉडी में कितने ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं, तो उस चीज को रिकवर करने में ना बहुत सालों लग जाते हैं, लेकिन नहीं हो पाती अगर रेगुलरली आप दूध को अपने खाने में इस्तेमाल करते हो। क्योंकि दूध में ना वो सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जो भी मतलब एक हेल्दी डाइट में होने चाहिए ना, वो सब के सब पाए जाते हैं। छोटा बच्चा होता है, 6 महीने तक खाली दूध पे ही डिपेंडेंट होता है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। अब ज्यादा बोल के मैं मतलब वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती।
तो बस अब आपको क्या करना है, हल्का गुनगुना आप दूध ले लीजिए, चाहे से गर्म, जैसा आप पीना पसंद करते हो, अगर आप सिप सिप करके पीते हो, गर्म दूध पीना पसंद है तो उस तरीके से ले लीजिए। इसमें आपको कोई और एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं करनी है, मतलब शुगर वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है। हाँ, अगर आपके पास अगेन ऑर्गेनिक शहद है तो वो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आज की डेट में ऑर्गेनिक मिलना मतलब मुश्किल बहुत है। तो आपने क्या करना है, खाली आपने इस तरह से गुनगुना दूध ले लीजिए और साथ में ले लीजिए आधी चम्मच हल्दी की। अब आपने कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और आपका ड्रिंक, ये कच्ची ही आपने पीनी है, ऐसा नहीं कि आपने बॉईल करना है इसको, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता कच्ची। मैं रेगुलरली पी रही हूँ, आज तक कुछ नहीं हुआ और स्किन ग्लो हो रही है, ये जरूर है। तो जैसे जैसे मतलब उम्र बढ़ती जा रही है ना, तो स्किन पे ग्लो और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो रेगुलरली आपको ये ड्रिंक पीना है। ये जो आपका, जैसे मैंने बता ही दिया कि दूध कैल्शियम आयरन काफी हाई क्वांटिटी में होने की वजह से आपके स्किन के पिगमेंटेशन दाग धब्बे को खत्म कर देगा। हल्दी आपकी स्किन को अंदर से निखारेगी। तो मतलब सिर्फ खाली बाहर से ही लेप लगाने से कोई वो नहीं है, हम अंदर से वो सारी चीजें मतलब जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाएंगी वो हम काम करेंगे। तो ये जो ड्रिंक है ये काफी है, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे आपने, इसके अलावा बात करते हैं बाहरी स्किन की। अब मतलब बाहर के जो दाग धब्बे हैं उनको कैसे लाइटन करना है, उसके लिए मैं पैक बता रही हूँ, बहुत सिंपल जैसा, कोई ज्यादा चीजें यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम लेंगे एलोवेरा जेल। अगर आपके पास ऑरेंज जेल है वो भी बेहतरीन है, क्योंकि कई लोगों को इससे एलोवेरा जेल लगाने से इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोगे, तो अगर आपके पास इचिंग आपको होती है तो आप बेशक यहाँ पे ऑरेंज जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब लेना कितना कर है, जितना अगर आपको मतलब अपने चेहरे पे लगाना है, डेली के डेली बनाने में कोई तंगी नहीं होती। देखिए स्टोर करके क्यों रखनी किसी भी चीज को, इतना सा मैंने ले लिया, काफी है मेरी एक स्किन के लिए, मतलब आधी जैसी चम्मच। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको मतलब ज्यादा थिक लेयर अप्लाई करनी है तो आप एक चम्मच भी ले सकते हो। अगेन क्या करना है, बस वन पिंच हल्दी, बहुत ज्यादा नहीं। और टेंशन मत लेना कि आपकी ये जो हल्दी है मतलब आपके फेस पे ऐसे चिपकेगी कि छूटने का नाम नहीं लगी, क्योंकि हमने एलोवेरा जेल के साथ मिक्स की है। और अगर आप ऑरेंज जेल के साथ मिक्स कर रहे हो तब भी आपके स्किन पे ये बहुत ज्यादा चिपकेगी नहीं। और बस अब आपने क्या करना है, मिक्स कर लीजिए इसको गोल्डन जैसा, ये आपका जो पैक रेडी हो गया। मैं अपने हाथों की हेल्प से ही कर रही हूँ, आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आपने फेस पे अप्लाई करनी। बस ये अब तैयार है आपका ये गोल्डन गोल्डन पैक, जो कि आपको गोल्डन की तरह ही निखारने भी वाला है। देखिए ये खाली बोलने की बात नहीं है, हल्दी में आपके एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, दाग धब्बे और ये आपको पिम्पल्स की समस्या होती रहती है ना, तो ये आपकी जड़ से खत्म होगी, गारंटी है भैया इस चीज की। तो गारंटी तब होगी जब आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करोगे, और इस ड्रिंक के साथ आपको इसे इस्तेमाल करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, खाली लीजिए और इस तरह से लगा लीजिए अपने चेहरे पे। जब भी आपको टाइम लगता है, अगर आप रात को लगा रहे हो दी बेस्ट चीज है, क्योंकि रात भर जब आपके फेस पे काम करेगी ना, तो मैं बोल रही हूँ सुबह उठते ही आपको फिर फर्क महसूस होगा, आपको खुद पता चलेगा कि क्या है। और अगर आप रात को नहीं भी लगा सकते हो, आप मॉर्निंग में भी लगा सकते हो, जैसे भी आप चाहें उस तरीके से आप लगाएं, लेकिन लगाइए जरूर इस गोल्डन पैक को, अगर आपको भी गोल्ड की तरह ही चमकती हुई अपनी स्किन चाहिए। तो थोड़ी सी देर के लिए कर लीजिए इस तरह से हल्के हाथों से मसाज और छोड़ दीजिए, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपको 10 मिनट के बाद धोना ही धोना है अपना चेहरा, आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हो, मॉर्निंग में आप अपना चेहरा वॉश कर सकते हो। इसके अलावा दिन में यूज कर रहे हो, जितनी देर आप लगा सकते हो उतनी देर लगाइए, और उसके बाद ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लीजिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हफ्ते के बाद आप खुद ब खुद अपनी स्किन में डिफरेंस देखोगे। तो बस ये बातें हो गई बहुत ज्यादा, और इसी के साथ वीडियो की एंडिंग कर रही हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि आप भूल जाते हो हमेशा, अगर कभी भी नए आते हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दिया कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू।